हर एक संडे को ना ऐसे ही हजारों को भीड़ ना अमिताभ बच्चन को देखने के लिए खड़ा रहता है। वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग में। तो आज संडे है, संडे के दिन मैं जुहू जा रहा हूँ, जुहू में जलसा का व्यू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जलसा पे ना अमिताभ बच्चन प्रत्येक संडे को जलसा से बाहर आते शाम के 5:30 बजे के बीच में, उसी का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। और चलिए ले चलते आपको अमिताभ बच्चन के बंगला पे और दिखाते वहाँ का व्यू एंड वहाँ का जो क्राउड है ना, उसका जो फैन फॉलोइंग है ना, प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहा है। और वो इतने बूढ़े हो गए, 80 क्रॉस कर गया, पर वो अपना पंक्चुअलिटी ना अभी तक वो नहीं छोड़ा है। तो चलिए ले चलते आपको जलसा के पास, दिखाते वहाँ का व्यू। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे गाइस। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं जलसा पे, और ये जलसा का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये एक संडे की नहीं बात है, ये हर एक संडे ऐसे ही नज़ारा यहां का रहता है, और दूर दूर से ना इसका फैंस इसके पास पहुंच ही जाते हैं। और ये तो भाई पहुंचते पहुंचते ये जो होर्डिंग लेकर खड़ा है ना, ये प्रत्येक संडे को ना 4 बजे से यहीं रहते हैं। और ये देख सकते ना, मतलब हज़ारों की संख्या में भीड़ रहते हैं, और पुलिस गाड़ी भी ना 3-4 इसके सुरक्षा में खड़ा रहता है। जो भी पब्लिक है या अमिताभ बच्चन है, सबके सुरक्षा में यहाँ पे पुलिस, मुंबई पुलिस खड़ा रहता है गाइस। और ये जो भीड़ है ना, बहुत अनोखा भीड़ है गाइस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भीड़ नहीं बोल सकते, ये उन्होंने कमाया है। और सबसे अच्छा चीज़ मुझे क्या लगता है पता है गाइस, कि उन्होंने ये मेंटेन करके रखा है हर एक संडे को 5 या 5:30 बजे तक वो आना ही आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। और ये बॉलीवुड में कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा करता है जैसे ये कर रहा है, प्रत्येक संडे को ये आता है गाइस। देख सकते हैं आप क्या नज़ारा है, क्या क्रेज, क्या फैन है गाइस सच में। और ये 80 क्रॉस हो गया, अभी भी इसका पंक्चुअलिटी नहीं टूटा है गाइस। देख सकते हैं कितना जुनून के साथ आता है गाइस सच में, तब तो इसको देखने के लिए ना इतना भीड़ उभर जाता है गाइस। बॉलीवुड में इसके जैसा कोई नहीं है सच में। बस यही 2 मिनट का ना व्यू देखने के लिए ना इतना लोग पागल रहता है, यही उसका फैन फॉलोइंग है गाइज। और बोला ना सबसे बेस्ट चीज़ है वो 365 दिन को जो भी सप्ताह होता है संडे, वो हर एक संडे घर से बाहर आता है। बॉलीवुड में इसके जैसा ऐसा कोई नहीं करता अपने फैंस के लिए, कि कम से कम जो भी मुझे आ रहा है देख तो रहा है ना। और किसी भी सेलिब्रिटी को ना पैसे यूं नहीं देख सकते, बहुत मिन्नत करना पड़ेगा तब आप किसी सेलिब्रिटी को सामने से देख पाएंगे गाइस। और ये उसका फैन है जो बहुत दूर दराज से यहाँ पे आए थे, और वो प्रत्येक संडे को पहुँच ही जाते इसका झलक पाने के लिए। और यहाँ पर सुविधा भी रहती है गाइस, पानी का व्यवस्था रहता है, फ़ैन आगे में 2-3 लगा दिया जाता है, और ठंडा का व्यवस्था रहता है, जैसे कि मतलब शरबत भी आज बट रहा था, मतलब तरह तरह का व्यवस्था भी अमिताभ बच्चन के थ्रू से किया जाता है गाइस। और बहुत दूर दूर से उसका फैंस उसको देखने के लिए यहाँ उबर आते हैं गाइस। तो ये जुहू में इसका बंगला है जिसका नाम है जलसा, जलसा का ये व्यू मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी मेरे पीछे आप जो व्यू देख रहे हैं ना, अभी अभी अमिताभ बच्चन यहीं से आके गए हैं, ये जलसा का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। पीछे 3-4 पुलिस गाड़ी लगी है, और भीड़ अभी भी कम नहीं हो रहा है, और यहीं अभी लगभग लगभग हज़ारों का भीड़ खड़ा था अमिताभ बच्चन को देखने के लिए। और हर एक संडे को शाम के 5:30 बजे वो घर से बाहर आते हैं, और ऐसे ही पब्लिक का भीड़ इस रोड पर लग जाता है। ये उसका घर है जलसा, और जलसा के घर के बाहर हर संडे वो आते आते हैं। इससे पहले आपने उसका लाइव वीडियो भी देखा ही होगा। तो यही है अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा, और यही वो संडे, हर संडे वो लाइव आते हैं 5:30 बजे। तो चलते फिर मिलते किसी अनदर ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।